सो हेलो दोस्तों, आज नई वीडियो मेरा आज का वीडियो है हमारा एक नए एम्पलीफायर के ऊपर। दोस्तों ये एम्पलीफायर मैंने कल बनाया है, 2 दिन के अंदर ये बनाकर तैयार किया है। और ये हमारा DC एम्पलीफायर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाकर के तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको आपको पहले लुक दिखाता हूँ आगे का। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमने बनाई है स्टीरियो है ये, और ये DC एम्पलीफायर है, काफ़ी मतलब बेहतरीन क्वालिटी का ये ऑडियो निकाल दे रही है। मैं आपको भी इसको चेक करके दिखाऊंगा और कैसा क्या इसका ऑडियो है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये USB कार्ड लगा, ये इसका पावर ऑन बटन है, और यहाँ पर ये इसका बेस है, ये ट्रेबल है, और ये है मेन मास्टर वॉल्यूम, ठीक है। पीछे को लोग इस तरीके का देखिएगा, यहाँ पर लगेगा ये हमारा स्पीकर दो, और यहाँ पर ये फैन लगा है, हाई स्पीड फैन, और यहाँ पर ये 12 वोल्ट के वायर निकले हैं जो कि काफ़ी मोटे वायर हैं, देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके लोग हैं पीछे से, आप दिखाते हैं इसको खोल करके आपको अंदर का कैसा क्या नज़ारा है। तो यहाँ पर इसको मैंने खोल दिया है। तो यहाँ पर ये हमने लगाया है 200 वाट का बोर्ड, जो कि बहुत ही अच्छी आउटपुट निकालता है और बहुत ही अच्छा इसका ऑडियो है। मैंने खुद इसको चेक किया, कई बोर्डों में मतलब कई मशीनों में लगाया है, बहुत ही अच्छा ऑडियो निकाल देता है और बहुत ही पावरफुल इसका मतलब आउटपुट है, ठीक है ना। यहाँ पर लगाइए 3535 का कन्वर्टर, और यहाँ पर लगाइए USB कार्ड, ये लगी है वॉल्यूम हमारी 47 के, और यहाँ पर 100 के है। तो बहुत ही अच्छा मतलब आउटपुट निकाल देती है ये हमारा, मतलब एक सेटअप पूरा अच्छा बनाने के लिए आपको अच्छे ही वायरिंग करना पड़ेगा, अच्छे सब कुछ लगाना पड़ेगा, अगर अच्छा आप सेटअप बनाना चाह रहे हैं और अच्छी आवाज़ चाह रहे हैं। तो हर जगह पे तार जो है ना वो चेक करके लगाने पड़ेंगे आपको, ये नहीं कि कहीं भी छोटा लगा दिया, कहीं भी बड़ा लगा दिया, कहीं भी कुछ लगा दिया, ऐसा नहीं है। सब कुछ एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से वायरिंग करनी होती है, तभी अच्छा आउटपुट निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर हमने लगाया जो कंडेंसर लगाया है इसमें, वो लगाए 10000 UF 50 वोल्ट है जिंजल, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक पावरफुल बोर्ड हो जाता है ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगाए 63 वोल्ट 2200 UF है, इधर से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये 63 वोल्ट 2200 UF लगा है, यहाँ पर लगाए जिंजल वाला 10000 50 वोल्ट, ठीक है ना। बहुत हैवी एक UF बन जाता है, बहुत ही अच्छा एक एम्पीयर बनता जाके। इस तरीके से ये एम्पलीफायर बनकर तैयार हुआ है, और इसकी मैं टेस्टिंग करके अभी आपको दिखाऊंगा कैसा कैसा आउटपुट है वो भी बताऊंगा। तो इसको मैंने बनाया है 2 दिन के अंदर में, और दोस्तों इसका जो प्राइस है वो है 3500 रुपये, ये बन के तैयार हुआ है, डिलीवरी भी 100-200 रुपये आ जाएगा, मान के 300 रुपये पूरा बनाने के बाद, सब कुछ इतनी मेहनत करने के बाद 300-400 रुपये बचेगा, समझ रहे ना बात को। मैंने खुद इसको जोड़ करके बनाया, तो इतना महंगा एम्पलीफायर ये पड़ रहा है, और ज़्यादा इसमें मेहनत भी लगी है। और दोस्तों यहाँ पर लगा ये वॉइस टेबल हमारा, टानिस्टा वाला वॉइस टेबल है, IC वाला नहीं है, ये टानिस्टा वाला वॉइस टेबल है, काफ़ी अच्छी आउटपुट निकालता है, देखिए ज़रा मैं आपको झोला जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो टानिस्टा वाला जो मतलब वॉइस टेबल होता है, इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अच्छा आउटपुट निकालता है ये। चलिए दोस्तों लगाते हैं इसमें वायर, ये हमारा SMPS है 12 वोल्ट का, 33 एम्पीयर का है, इसी से इसको सप्लाई देंगे। तो चलिए इसको पहले रख देते हैं अलग एक तरफ, और फिर इसमें देते हैं लाइट, कहते हैं क्वालिटी है वो बताते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों इसके वायर लगाते हैं, पहले लगाएंगे स्पीकर के वायर और फिर आपको चला के दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये लगेंगे हमारे स्पीकर, तो यहाँ पर पर्सनल पे हम 2 सबवूफर देंगे 6 इंची के, ये रहा मेरा 2 सबवूफर का वायर जो कि एक ही जुड़ा हुआ है, और इसमें लगे हैं 2 स्पीकर, ठीक है 6 इंची के। तो यहाँ पर ये अलग अलग दोनों वायर हैं, इनको भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पर्सनल पे दे दिए हैं 2 स्पीकर, मतलब 4 सबवूफर, ठीक है ना। ये रहा मेरा SMPS जो कि 33 एम्पीयर का है 12 वोल्ट, तो इसी को सप्लाई देंगे। तो चलिए ये भी लगा लेते हैं, तो यहाँ पर ये हमने लाल वाला जोड़ दिया है लाल में, और ये ब्लैक वाला जोड़ दिया है ब्लू में, ठीक है ना, दोनों ये वायर जुड़ गए हैं। अब चलिए इसको सप्लाई देते हैं, तो चलिए दोस्तों सप्लाई देते हैं, यहाँ पर सप्लाई दे दी हमने। तो यहाँ पर देखिए ये SMPS जो दिख रहा है मेरा, इसमें फाइन चलने लगा है, और ये लाइट भी आ गई इसके अंदर, देख सकते हो ये लाइट आपको दिख रही होगी, तो ये लाइट भी आ गई। अब चलिए एम्पलीफायर को चालू करते हैं। तो यहाँ पर ये एम्पलीफायर का पावर ऑन बटन है, इसको बाहर खींचेंगे, तो ये देखिए लाइट आ चुकी है और फैन भी चालू हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन से, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर ये रहा मेरे पास फ़ोन, ब्लूटूथ ऑन करेंगे, यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है,
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मोबाइल है वो एम्पलीफायर से कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर म्यूजिक प्ले करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर ये म्यूजिक प्ले हो चुका है, इसमें इसका आवाज़ बढ़ाएंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये रहा वॉल्यूम इसका, क्या आवाज़ है यार, मज़ा आ गया इसको सुन करके। एक नंबर का साउंड ऐसा लग रहा है कि कोई हॉल से बज रहा हो, इतना बढ़िया साउंड निकाल रही है। ठीक है ना, देखिए थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के दिखाता हूँ मैं आपको भी। दोस्तों देखा आपने, अभी यहाँ पर मैंने एक आपको नॉर्मल म्यूजिक चला के दिखाया, आप चलाते कोई डीजे वाला सॉन्ग उसका भी थोड़ा सा आवाज़ सुनाते हैं आपको, फिर देखते कैसा क्या आवाज़ आता है। तो यहाँ पर म्यूजिक को प्ले कर दिया, देखिए जरा वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, पहले बेस कम करेंगे पूरा। यहाँ पर वॉल्यूम बेस का जो है वो कम कर दिया हमने। चलिए एक सॉन्ग और प्ले करते हैं यहाँ पर डीजे वाला, यहाँ पर हमने इसको प्ले कर दिया। तो चलिए इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, एक बार और चेक करके दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, देखते कैसा क्या ऑडियो निकलता है। मुझे गबरवा बोलती है, तो दोस्तों देखा आपने कितना अच्छा ऑडियो रहा, कितना अच्छा क्वालिटी रहा इस एम्पलीफायर का हमारे। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने, 5-5 बार शूट करना पड़ता है, तो इसलिए आप मेहनत को समझ करके लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें, ऐसे वीडियो देख लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।